सबसे पहली बड़ी खबर आपको पलवल से बता दें, हरियाणवी कलाकार सपना चौधरी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तो पलवल से बड़ी खबर, दहेज में गाड़ी मांगने और भाभी को प्रताड़ित करने के आरोप में केवल सपना नहीं बल्कि सपना की मां और सपना के भाई के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है। तो कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पलवल से ये बड़ी खबर, तो आरोप साबित होने पर सपना की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो गंभीर आरोप लगाए हैं, जाहिर है अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो सपना की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ने वाली हैं। दहेज में गाड़ी मांगने, भाभी को प्रताड़ित करने और सपना के भाई पर भी सपना की भाभी ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सपना की मां पर भी परेशान करने, प्रताड़ित करने, दहेज मांगने के आरोप लगाए गए हैं। तो कई धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है। पलवल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो पलवल की महिला थाने में FIR दर्ज की गई है। सपना के खिलाफ सपना के भाई और सपना की मां के खिलाफ भी महिला थाने में FIR दर्ज की गई है। ये है सर, हमारे पास कंप्लेंट प्राप्त हुई है पलवल से, हमने उस पर CAW सेल में काउंसलिंग कराई सर। काउंसलिंग में उनका कोई आपस में कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, फिर हमने उस पर FIR दर्ज करी है सर। उसमें करण है उनके हस्बैंड और उनकी मदर नीलम और उनकी बहन है सपना चौधरी, उनके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस की FIR दर्ज की है सर। सर इसमें उन्होंने क्रेटा गाड़ी और मेन क्रेटा गाड़ी की डिमांड की सर। इसमें तस्दीक होगी DSP साहब की, उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी सर वो हम आगे FIR में करेंगे सर। इनकी शादी हुई है सर 2018 में सर, और बस ये शारीरिक पड़ताड़ना, दहेज मांगना सर मेनली तो यही है सर। हाँ सर, उसमें बेटी हुई थी, उस दौरान उन्होंने कहा था क्रेटा गाड़ी मांगी थी सर। इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है सर, बाद तस्दीक जो भी कार्रवाई होगी सर वो की जाएगी। तो महिला पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई है। पुलिस अधिकारी को भी आपने सुना, सपना के खिलाफ सपना की मां और सपना के भाई के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। चलिए इसी से पलवल आपको लिए चलते हैं। भगत सिंह सेवतिया हमारे संवाददाता लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। भगत सिंह, क्या कुछ पूरा मामला है, हालांकि जांच अधिकारी को भी अभी हमने सुना, किस तरह से आरोप लगाए गए हैं और किन किन धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है सपना, सपना के भाई और उनकी मां के खिलाफ? बिल्कुल, यहाँ पर जो सपना की भाभी है उन्होंने यहाँ पर महिला थाने में शिकायत दी थी 2018 में, जो करण सिंह सपना के भाई है उनके साथ शादी हुई थी, और शादी के बाद से लगातार जो परिवार है उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित रहता है, और बीच में अभी उन्हें बेटी हुई थी 24 के बाद, और जो दहेज की जो मांग है वो लगातार उनसे की जा रही थी, और इसी को लेकर जो मशहूर डांसर है सपना चौधरी उनके भाई और अपनी सास के खिलाफ दहेज की धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया। जी बहुत शुक्रिया भगत सिंह, ये पूरी जानकारी आपने दी। तो पलवल से हमारे संवाददाता भगत सिंह आपको जानकारी दे रहे थे, सपना के खिलाफ सपना की मां और उनके भाई के खिलाफ पलवल महिला थाने में, महिला पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे विशेष संवाददाता सुशील सिंह न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुशील, आप विस्तार से बताएं कि किन किन धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है और किस तरह से सपना की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं इस मामले में? बिल्कुल ज्योति, इससे पहले देखिए मुझे लग रहा है कि 2022 में भी सपना चौधरी के खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ था लखनऊ में, और उसमें गिरफ्तारी के वारंट भी इशू हुए थे, और ये साल का पहला मंथ है, हम नहीं कहें फरवरी है, शुरुआत है, और शुरुआत में ही यह एक और FIR दर्ज हो गई। हालांकि ये पूरा वाक्या है कि जब सपना चौधरी का भाई करण और इनकी मां नीलम, इन तीनों के खिलाफ यह शिकायत दी गई थी, जो भाभी है उन्होंने शिकायत दी थी, सपना चौधरी की भाभी ने एक लिखित शिकायत दी थी और उसमें आरोप लगाया था डोमेस्टिक वायलेंस का। उसका मीडिएशन शुरू हुआ, पुलिस ने पहले दोनों पक्षों को बढ़ाया और कई तारीखें पड़ी, और उन तारीखों में कोशिश पुलिस के द्वारा यह की गई कि यह केस मीडिएशन में चला जाए, समझौता हो जाए, लेकिन आखिरकार जब समझौता होने में विफल रही, यह पूरा मामला विफल रहा, उसके बाद कल FIR दर्ज की गई है। और इसमें जो सेक्शन लगाए गए हैं वो IPC का सेक्शन 498 है, जिसे दहेज प्रताड़ना कहते हैं और दहेज की डिमांड कहते हैं, 120 भी है षड्यंत्र के तहत, 34 है, और
323-506 है, मारपीट है और जान से मारने की धमकी देना है। अच्छा। साथ ही कुछ और धाराओं को भी जोड़ा गया है और कई धाराओं के तहत यह FIR दर्ज की गई है। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्योंकि अमूमन सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन है कि जब भी कोई दहेज एक्ट का मामला दर्ज होता है तो पहले वो मेडिएशन में जाता है, और मेडिएशन के बाद FIR दर्ज होने के बाद वरिष्ठ अधिकारी DSP लेवल के अधिकारी उस पर तस्दीक करते हैं, उसकी जांच करते हैं, और जांच के बाद उसमें गिरफ्तारी होती है। लेकिन जिस तरह से डांसर के और डांसर के परिवार वालों के खिलाफ यह मामला दर्ज हुआ है, उससे निश्चित तौर पे यह जो ये जो खबर है वो सुर्खियों में है और लोगों तक के जेहन तक है, और कहीं ना कहीं यह सपना चौधरी की छवि को भी डेंट करेगी यह स्टोरी और ये घटना। चूंकि इससे पहले भी यह आरोप लग चुके हैं कि किस तरह से उन्होंने पैसे ले लिए आयोजकों के और वहां वो नहीं पहुंची थी, तो निश्चित तौर पर अभी शुरुआती जांच है और शुरुआती मसला है FIR दर्ज करने का, और इसमें अब तस्दीक के बाद पता चलेगा कि सच्चाई कितनी है। और पूरा जो विस्तार से उन्होंने दिया है FIR, जो शिकायत दी थी उसमें लिखा है कि किस तरह से शादी एक दिल्ली के बड़े होटल में हुई थी और करीब 42 लाख रुपए का खर्चा आया था 2018 में, और उसके बाद एक बेटी को जन्म दिया सपना चौधरी के भाभी ने, और उसमें भी जो हरियाणा में हम कहते हैं कि छूछक, उसके तौर पर करीब 3 लाख रुपए का सामान उन्होंने दिया था, लेकिन उसी दौरान उस सामानों से वे खुश नहीं थे और क्रेटा की डिमांड कर रहे थे, यह आरोप लगे हैं। फिलहाल इन आरोपों में कितनी सच्चाई है यह DSP स्तर के अधिकारी जांच करेंगे, और जांच के बाद पता चलेगा, उसके बाद क्लियर होगा कि इसमें सपना चौधरी की भागीता कितनी है, उनकी मिलीभगत कितनी है, और ये आरोप जो उन पर लगा है वो कितना सही है। जी बिल्कुल, देखिए आरोप जो लगे हैं उनमें कितने सच्चाई के, जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। सुशील, हालांकि बहुत बार विवादों और सुर्खियों में रहने वाली सपना एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी आपने दी और समझाया विस्तार से किन किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो सपना, सपना के भाई और सपना की माँ के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पलवल की हम बात कर रहे हैं, जहाँ महिला पुलिस थाने में सपना की भाभी की शिकायत पर ये मामला दर्ज किया गया है। चलिए बहुत शुक्रिया सुशील, ये पूरी जानकारी आपने दी। तो सुशील हमारी विशेष संवाददाता आपको न्यूज रूम से जानकारी दे रहे थे इस खबर से जुड़ी।